पढ़ें जो 1912 में लिखा गया, करुणालय जो 1913 में लिखा गया, प्रायश्चित 1914 में, राजश्री 1915 में लिखा गया, विशाख 1921 में लिखा गया, अजातशत्रु 1922 में लिखा गया, कामना 1923 और 24 में, जन्मेजय का नाग यज्ञ 1923 में, स्कंदगुप्त 1928 में, एक घूंट 1929 में, चंद्रगुप्त 1931 में, ध्रुवस्वामिनी 1933 में। यानी कुल प्रसाद जी के जो ये ऐतिहासिक नाटक हैं कुल 13 हैं, यानी दर्जन से अधिक। प्रसाद जी ने अपने अधिकांश नाटकों के कथानकों का चयन भारत के, यानी कि जो प्रसाद जी ने जो नाटक लिखे उसके जो कथानक रही कथानक हैं उसके, उसका चयन उन्होंने गौरवपूर्ण अतीत से किया। गौरव जिसे उन्होंने अपना गौरव, वह उन्होंने अपने लेखनी में एक प्रकार से प्राण फूंक दिया, उनकी कहानियों में ऐतिहासिकता झलक रही है, उनके नाटकों में जो उन्होंने लिखा है गौरवपूर्ण रूप से किया हुआ है। अब उसके बाद जयशंकर प्रसाद जी ने जो नाटक लिखे, अब उनके बाद के जो नाटक हैं प्रसादोत्तर हिंदी नाटक, उसके बारे में हम देखें तो प्रसाद के उपरांत, प्रसाद जयशंकर प्रसाद जी के उपरांत हिंदी नाटकों ने विशेष बल पकड़ा। यानी जयशंकर प्रसाद जी ने हिंदी साहित्य को नाटक के क्षेत्र में, ऐतिहासिक नाटक के क्षेत्र में काफ़ी समृद्ध किया। जयशंकर प्रसाद जी का महत्वपूर्ण योगदान ऐतिहासिक नाटक क्षेत्र में रहा। अपने इस प्रकार कहा जा सकता है कि एक तेजी आई, एक प्रसिद्धि मिली। प्रसाद के उपरांत, जयशंकर प्रसाद जी के उपरांत हिंदी नाटकों ने विशेष बल पकड़ा, तेजी पकड़ी। इन ऐतिहासिक नाटककारों में हरिकृष्ण प्रेमी, वृंदावन लाल वर्मा, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, जगदीश चंद माथुर आदि हैं। हरिकृष्ण प्रेमी के ऐतिहासिक नाटकों में, हरिकृष्ण प्रेमी के ऐतिहासिक नाटकों में रक्षाबंधन जो 1935, 1934-35, सेवा साधना 1937, प्रतिशोध 1937, आहुति 1940, स्वप्न भंग 1940, विस्पान 1945, शपथ 1951 में प्रसिद्ध हुआ, जो काफ़ी लोकप्रिय रहे। अब वृंदावन लाल वर्मा ने तो काफ़ी सामाजिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, एकांकी नाटक के द्वारा साहित्य को समृद्ध किया है, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इनकी ऐतिहासिक नाटक हैं राखी की लाज जो 1941 में प्रकाशित हुआ, कश्मीर का काटा 1948 में, झांसी की रानी 1948 में, हंस मयूर 1949 में, बीरबल 1950 में, जहां शाह 1950 आदि ऐतिहासिक नाटक लिखे गए, आदि प्रकार के ऐतिहासिक नाटक लिखे गए। जगदीश चंद माथुर ने कोणार्क नामक नाटक की रचना की जो काफ़ी प्रसिद्ध है। और उसके बाद कुछ दौर ऐसा आया जो कि समस्या को लेकर के नाटकों की रचना हुई, उसमें उपेंद्रनाथ अस्क ने स्वर्ग झलक नामक नाटक की रचना की जो 1936 में प्रकाशित हुआ, कायद 1945, छठा बेटा 1949, आदि मार्ग 1950। इसके बाद उपेंद्रनाथ अस्क जी के बाद लक्ष्मी नारायण मिश्र आए, उन्होंने सन्यासी नामक नाटक 1931 में,
राक्षस का मंदिर 1931 में, मुक्ति का रहस्य 1932 में प्रकाशित किया, सिंदूर की होली 1934, आधी रात 1936, गुड़िया का घर आदि प्रकार के नाटक लिखे और प्रकाशित किए। सेठ गोविंद दास ये दार्शनिक, नैतिक एवं व्यवहारिक समस्याओं पर आधारित नाटकों को इन्होंने लिखा। उस समय की जो समय की मांग, समय को देखते हुए उन्होंने अपने विचारों को दार्शनिक स्वरूप में, नैतिक स्वरूप में और व्यवहारिक स्वरूप में नाटकों की रचना करके समाज को एक उपहार के रूप में दिया, जिसमें हर्ष और प्रकाश 1935 में, कर्तव्य 1935 में, सेवापथ 1940 में, दुख क्यों 1946 में, बड़ा पापी कौन 1948 में हुआ। अब हम ऐतिहासिक नाटकों की चर्चा करें तो वृंदावन लाल वर्मा जो एक अच्छे नाटककार हैं, झांसी के मौरानी जिले, झांसी के मौरानी नामक गांव में इनका जन्म हुआ। ये इन्होंने कई ऐतिहासिक नाटक लिखे, जैसे मैं बता चुका हूँ आपको, झांसी की रानी, राखी की लाज, कश्मीर का कांटा, हंस मयूर, बीरबल आदि। उसमें एक झांसी की रानी के ऊपर इन्होंने नाटक लिखा। नाटक कई प्रकार के होते हैं, जैसे काल्पनिक भी होते हैं, वास्तविक घटना पर आधारित होते हैं। तो ये जो झांसी की रानी है, ये वास्तविक घटना पर आधारित नाटक है। 1857 का जो हमारा आंदोलन था, उससे प्रेरित होकर के उन्होंने देखा, समझा और नाटक के स्वरूप में उसको लिखा। झांसी की रानी का शौर्य, साहस, देश प्रेम, देश के प्रति निष्ठा, देश के प्रति अपार प्रेम की भावना को देखते हुए उनसे रहना गया। उन्होंने नाटक के स्वरूप में और उसी क्षेत्र, बुंदेलखंड जो क्षेत्र है झांसी का, जहाँ की रानी थी, उसी क्षेत्र, उसी पावन भूमि पर उनका निवास भी था, रहने का क्षेत्र भी था, उससे प्रेरित होकर इन्होंने लिखा। अंग्रेजों का प्रभुत्व 1858 पेशवा बाई शासन व्यवस्था समाप्त हुई। राजा गंगाधर राव पुराणपंथी थे, जो रानी से कई ज़्यादा उम्र के थे, उनसे उनका विवाह हुआ। विवाह के पश्चात 1851 में रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। रानी ने झांसी का शासन अपने हाथ में लिया, राजकीय क्षेत्रों का विभावन किया। रानी ने जब शासन अपने क्षेत्र में लिया, हाथ में लिया क्षेत्रों को, क्योंकि उनके जब पुत्र हुआ, उसके पश्चात उनके पति की मौत भी हो जाती है, उसके पश्चात काफ़ी संघर्षों का सामना करती हैं रानी, और झांसी शासन अपने हाथ लिया तो उसकी पूरी जानकारी प्राप्त की और कैसे प्रशासन करना, उसकी एक रणनीति बनाई और सबको अलग अलग पद दिए, जैसे लक्ष्मण राव प्रधानमंत्री, बख्शी और भाव प्रधान सेनापति, पैदल सेना के 3 कर्नल रघुनाथ सिंह, मोहम्मद जमा खां खुदाबख्श, घुड़सवारों के प्रधान स्वयं रानी। घुड़सवारों के बारे में काफ़ी चर्चा है, रानी के विषय में आप सभी जानते ही हैं। उन्होंने स्वयं अपने पास रखा कर्नल सुंदर मुंदर और काशीबाई, तोपखाने के प्रधान गुलाम घोष खां, नायब दीवान दुल्हाजू, न्यायाधीश नाना भोपटकर, मोरपंथ कमठाने के प्रधान, जासूसी विभाग के प्रधान मोतीबाई और नायब जूही।
तो इस प्रकार से रानी ने पूरी व्यवस्था संभाली और लास्ट तक वीरता से लड़ती रही और अपने झांसी की आन बान और शान के लिए अंत तक लड़ी और अंत में अपने को वीरगति को प्राप्त किया। अब हम नाटकों के बारे में, जैसे आप लोग जानते हैं तो नाटक की उत्पत्ति और विकास, जैसे हम फिर से देखें तो किसी भी चीज़ को जानने या समझने के लिए हमें उसके कोई भी साहित्य में उसके उद्भव और विकास को जानना ज़रूरी होता है। जैसे अपने ने देखा कि ऐतिहासिक नाटक किस किस प्रकार के, किस किस प्रकार के विद्वानों के द्वारा लिखा गया, उनकी क्या क्या उपलब्धियां रहीं और उसमें क्या विशेषता रही, हम इन सब चीज़ों को जानें। तो जो भारतीय नाटक है उसकी उत्पत्ति है, उसको फिर से एक बार देखें कि यों तो साहित्य की प्रत्येक विधा में सृजन में मानव की अंतःप्रेरणा ही कार्य किया करती है, क्योंकि जब तक मानव मन में भावों का विकास नहीं होगा तब तक कोई रचनाएं नहीं होगी। रचना करने के लिए व्यक्ति को या तो आप बीती हो, कहीं कोई समस्याओं का सामना किया हो, कोई भी लेखक होगा उसकी रचनाओं में, जैसे ऐतिहासिक नाटककार बृंदावनलाल वर्मा ने उस समय झांसी की रानी के ऊपर जो भी समस्याएं आई, उन समस्याओं को उन्होंने देखा, उसका बारीकी से अवलोकन किया, निरीक्षण किया, मनोमंथन किया, भ्रमण किया पूरे झांसी बुंदेलखंड का, काफ़ी लोगों से मिले, सोचे समझे विचारे, उसके बाद लिखा उन्होंने। किसी भी रचना को लिखने के पहले लेखक, और वो भी वास्तविक घटना पर आधारित, उसके सारे पहलुओं पर विचार किया अपने समझ बूझ के द्वारा साहित्य को, क्योंकि साहित्य जो है वो समाज का दर्पण है, वह समाज को एक नई दिशा, नई प्रेरणा देता है। आज के विद्यार्थियों को एक आधार, विद्यार्थियों के लिए एक आधार स्तंभ है, उनको एक नई दिशा देता है, उनको एक नई प्रगति की तरफ अग्रसर करता है। आज के विद्यार्थियों को उन साहित्यों के द्वारा आगे विकसित होने के लिए, आगे प्रगति के लिए मार्गदर्शन मिलता है, वास्तविक घटना पर आधारित है। क्या उस समय ऐसा हुआ होगा, हम कल्पना के लिए, कल्पना में विचारशील होते हैं, उस विचारों को करते हैं, समझते हैं, उस कल्पना में हम यदि विद्यार्थी किसी भी चीज़ को समझे, सोचे, उस स्थान पे अपने आप को, स्वयं को रखे कि यह हम यदि उस समय होते, समझते, तो क्या हम रचना कर पाते? बिल्कुल कर सकते हैं। जो उस दौर में था, उस समय था, वो आज है। उस समय झांसी की रानी थी, ठीक। आज के समय भी नाटक लिखना संभव है, बहुत सारी परिस्थितियां हैं, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, जिनको हम मद्देनज़र रखते हुए अपने नाटक के रूप में, ऐतिहासिक नाटक के रूप में हम उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे बृंदावनलाल वर्मा जी ने लिखा, प्रसाद जी ने लिखा ऐतिहासिक नाटकों को, तो उस नाटकों को हम भी, क्योंकि हर एक समय साहित्य को एक नई दिशा देने वाले विद्वान हुए हैं, तो आज वर्तमान में भी उभर करके नए साहित्यकार आ रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय में जो रचनाएं होती है वह कुछ समय बाद जाके
समाज में आती हैं जो लोग जानते समझते और पढ़ते हैं। तो मेरा ये संदेश है विद्यार्थियों के लिए कि आप लोग विद्वानों को समझें, उनकी रचनाओं को पढ़ें, उनकी मौलिकता को जानें और उसको अपने गहन में उतारें और आप उनसे कुछ प्रेरणा प्राप्त करें कि उन्होंने जो किया हम भी कर सकते हैं। कोई भी कार्य कठिन नहीं होता, कोई भी समय, हर एक समय, हर एक परिस्थितियाँ इंसान को कुछ करने के लिए प्रेरित करती हैं। हर एक मनुष्य को अपने रचनात्मक कार्यों को करना चाहिए, कभी भी किसी भी प्रकार की हिम्मत को हारे बिना ईश्वर पर भरोसा करते हुए अपने कर्म क्षेत्र में पढ़ना चाहिए। कर्म करना प्रत्येक विद्यार्थी का एक धर्म होता है। विद्यार्थी या मनुष्य कोई भी कर्म प्रधान होता है, कर्म करना चाहिए। अध्ययन क्षेत्र में विद्यार्थी जीवन है तो अध्ययन में समय का सदुपयोग, क्योंकि गया हुआ समय पुनः वापस नहीं आता। इसलिए अपना जो जीवन है ईश्वर ने जो दिया है उसको योग्य दिशा में, योग्य कार्य में लगाएं और अपने जो अपना अपने गुरुजनों का, अपने जिले का, राज्य का, देश का नाम रोशन करें, क्योंकि आज का विद्यार्थी कल का श्रेष्ठ नागरिक है। तो इस प्रकार नाटकों का हमारे विकास में, रचनाओं का हमारे विकास में, हमारे जीवन पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है, काफ़ी उससे विकास होता है। जैसे हमने देखा कि संस्कृत साहित्य के अंदर पाणिनि जो हैं उन्होंने अष्टाध्यायी के द्वारा अपनी रचनाओं को किया, भाष ने, भवभूति ने, तो सब लोगों ने अपनी रचनाओं के द्वारा कुछ न कुछ दिया है। हर एक भाषा में, हर एक साहित्य में नाटक की रचना हुई। जिस क्षेत्र में नाटक नहीं बने उसमें अनुवाद हुआ, अनुवाद के द्वारा संस्कृत के नाटकों का अनुवाद हुआ हिंदी में, वो पढ़े गए। इसके अलावा अलग अलग प्रकार में जैसे रामायण है, श्री राम जन्म जी की जन्म के विषय में कथा है और कृष्ण लीला है, रामायण जो है